अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद भट्ट में खुश आमदीद। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ अल्बाइनो उठाए थे तो मैंने उनको क्वारंटाइन कर दिया था, और मैं आपको भी ये बोलूँगा कि अगर कभी भी आप नए बर्ड्स कहीं से भी लेकर आएँ, किसी शॉप से, सेटअप से या किसी मार्केट से लेकर आएँ, तो आप लाजमी उनको क्वारंटाइन करें, अपने सेटअप से हटाएं, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे सेटअप्स को ख़राब होते हुए देखा है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास जो अल्बाइनो का एक जोड़ा ये रहा, ये जो है इसमें जो है मेल जो है वो रेड आइज़ है और जो फीमेल है वो स्प्लिट ब्लैक आइज़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है एक स्प्लिट का जोड़ा ये रहा, और यहाँ पे तो पट्ठे हैं, और यहाँ पे जो तीन पीस हैं तो तीन पीस में एक जोड़ा है और एक फीमेल है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि जो मैंने लवबर्ड के लिए जो मैंने केजेस ख़रीदे थे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि ये जो पांच खाने का पिंजरा था, ये मेरा तमाम इसमें ब्रीडर पेयर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम ब्रीड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये किया है कि ये जो दूसरा केज है इसके अंदर मैंने ये किया है कि इनको खाली किया, ब्लैक विंग्स हटा दिया। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये खाली पड़ा हुआ है, और ये तमाम का तमाम मैंने सब लवबर्ड्स के लिए किया है। ठीक है, ये मैंने सेटिंग की है यहाँ पे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे बच्चे ने अभी जो है अमीन भाई से एक बहुत अच्छा केज ख़रीदा है, और अभी उनके पेपर चल रहे हैं तो फिर ज़रा पेपर ख़त्म होंगे वो चूज़े वगैरह रखने के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि अभी मैंने रिसेंटली एक काम शुरू किया था, मतलब अच्छी चीज़, कैल्शियम ब्लॉक। तो कैल्शियम ब्लॉक एक बंदे का 100 पीस का ऑर्डर लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पीस तैयार हैं तो हम उनको डिलीवर करेंगे, और पूरे मतलब पूरे कराची में हम कार्गो कर रहे हैं। बहुत मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अच्छी चीज़ दे रहे हैं मुनासिब रेट में। अच्छा, जहाँ तक कॉलोनी की बात है तो मैं आपको बताऊँ कि कॉलोनी की क्या पोजिशन चल रही है इस वक्त। कॉलोनी के अंदर चलते हैं। अच्छा, ये किसी टाइम में मैंने जो कॉलोनी बनाई थी, अभी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे ना अपने जो केजेस को सेट करना है, जो मेरे पास इजाफी केज थे लेकिन मैं उनको सेल नहीं करना चाहता था, वो मैं इस कॉलोनी में लेके आ गया हूँ। ठीक है, लेकिन मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जैसे ये वाला केज है ना, इसमें ट्रे बिल्कुल फिक्स है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी सफ़ाई नहीं हो पाती। देखें आप कितनी गंदगी है। अगर इस तरह का हो कि जैसे हम उसमें ट्रे निकाल सकें तो हम उसे सफाई कर सकेंगे। अब मेरा इरादा ये हो रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाला केज है इसको मैं नीचे रख दूँ, इस केज को हटा दूँ, और एक मेरे पास ये चार पोर्शन का केज है इसको मैं यूज़ करूँगा कि मतलब अगर मुझे बर्ड्स को क्वारंटाइन करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल करूँगा, अगर मुझे सेल परचेस करना है तो मैं उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, अब हम कॉलोनी से निकलते हैं। आज बस एक छोटी सी वीडियो बनाने का मूड हुआ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ हंडिया वगैरह पड़ी हुई हैं, इजाफी सफाई वगैरह की थी तो निकली हैं। अगर मतलब किसी को ज़रूरत है और वो कोई सेटअप बना रहा है तो अगर उसको हंडिया चाहिए तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, विदाउट प्राइस के, कोई ऐसा मसला नहीं। आज एक ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेशन और छोटी छोटी जुनैद बर्ड्स की अपडेट लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।